गाइस वेलकम बैक टू वी फाइटर क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? मैं भी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तो आज हम लोग दोबारा से हाजिर है माइनक्राफ्ट में। वैसे भी चैनल तो माइनक्राफ्ट का ही है यार। आपको तो पता है कि लास्ट वाले वीडियो में मेरा जो डायमंड आर्मर था वो खो चुका था और मैंने उसे खोज भी लिया। मैंने उसी वीडियो में मैंने अपना डायमंड आर्मर खोया था और उसी वीडियो में ही मैंने अपना डायमंड आर्मर ले लिया। तो वो है शायद से पार्ट 5 हो सकता है। हाँ पार्ट 5 भी है। तो पार्ट 5 आप देखिएगा, ये है हमारा पार्ट 6 और पार्ट 5 में आप देखिएगा कि वो कैसे हुआ। तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देखिएगा। तो गाइज आज गाइज मैं सोच रहा हूँ एक नेदर के अंदर जाते हैं, और नेदर के जाना बहुत उतना ईजी नहीं है क्योंकि वहाँ पर गास्ट रहता है, गास्ट रहता है। मैं काम करता हूँ, मैं अभी गास्ट को से लड़ने नहीं जा रहा। मैं यहाँ से थोड़े बाद डायमंड्स माइन करने की कोशिश करूँगा आज। तो डायमंड्स माइन करने के लिए भाई मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं मेरा, हाँ अच्छा, डायमंड्स माइन करने के लिए मुझे चाहिए टॉर्च। तो टॉर्च मुझे भाई मिलने, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ मिलने वाली है। मुझे इतना मेरे को याद है कि कोयला की बहुत ज़रूरत है, कोयला। तो मेरे पास कोयला तो बहुत सारा है। काम करते हैं, रुको थोड़ा सा, मैं जो उसका क्राफ्टिंग रेसिपी देखना पड़ेगा सबसे पहले। मैंने माइनक्राफ्ट तो खेला है पर माइनक्राफ्ट में मुझे उतना क्राफ्टिंग रेसिपी याद नहीं है। हाँ पर थोड़े बहुत है, हटना भागेगा फिर से। मुझे भैया बिल्ली मतलब कि अजीबोगरीब बिल्ली लगता है, कभी कभी भागता है कभी कभी वो करता है। बाकी अब इसको मारो गोली, अभी तक तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो मैं सबसे पहले फटाफट से अपने स्टोर रूम पर जाता हूँ। मैं अभी देखूंगा टॉर्च की क्राफ्टिंग रेसिपी, तो मैं एक देख लेता हूँ टॉर्च की। कोयला चाहिए, स्टिक्स चाहिए, इतनी इजी। ओ हेलो, तो स्टिक मेरे पास नहीं पे होगा, ये तो सारा खजाना है। मैं स्टिक्स, दो स्टिक्स पड़ी हुई है और मुझे बस थोड़े बहुत कोयला चाहिए। कोयला भी इनफ है लगता है, लगता है नहीं है, डेफिनेटली है, हो सकता है, होना चाहिए। आलू है, आलू ले लेते हैं यार। ये मैं डर्ट को पता नहीं क्या करूँगा। मैं नेदर से जाना पड़ता था पर मैं नेदर पे नहीं गया क्योंकि नेदर थोड़े बहुत ख़तरनाक वाले मॉब्स होते हैं। ये सारे मैंने स्नोबॉल्स इकट्ठे किए थे और ये मैं इंडिया वाइज से ब्रिक्स ट्रेड किया था। इंडिया वाइज आप लोग ब्रिक्स ट्रेड कर सकते हो। तो एक भी कोयला नहीं है, कैसे हो सकता है भैया? ये तो खजाना है, इसमें मैंने अपना खाना रखा है। तो छोड़ते हैं, अभी देखते हैं कोयला कहाँ है। अबे कोयला कहाँ है? अरे अभी कोयला नहीं है गाइस, मुझे अपने घर से ही लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पहाड़ पर जाकर फिर से कोयला माइन करना पड़ेगा भाई। बहुत मतलब कि बहुत हार्ड है यार सब कुछ। धीरे धीरे माइनक्राफ्ट अब हार्ड होता जा रहा है। ये डर्ट को मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ तो, क्योंकि ये डर्ट को मैं अपने लावा में फेंकूंगा। पर लावा तो मुझे अभी सिर्फ जो नेदर पे मिलेगी, नहीं नहीं लावा नेदर में नहीं, ओवरवर्ल्ड में ही मिलता है। तो मतलब कि चारों तरफ मिलता है लावा, डायमंड्स के अगर खोज करोगे तो मिलेगा। आपको तो पता है कि पिलेजर बहुत भाई, मुझे बिल्कुल पिलेजर अभी तक पसंद नहीं आए। तो मुझे भी थोड़ा बहुत पिलेजरों से लड़ना पड़ेगा, पिलेजरों को दिखाना पड़ेगा कि मैं अभी बहुत बहुत ही बड़ा बंदा हूँ, मैं किसी को कुछ भी कह दे सकता हूँ। ओ भाई इतनी जल्दी इतने सारे बन चुके हैं, कोई बात नहीं। अब जितने भी सामान है सारे यहाँ पर रख देते हैं, मेरा जितने भी सामान है सारे। और आपको तो पता है कि लास्ट वाली वीडियो में हमने थोड़े बहुत गन पाउडर भी इकट्ठा किए थे। डर्ट फट सारे को रख देते हैं। काम करते हैं, हमारे साथ एक वुडन सॉर्ड लेकर चलते हैं और एक स्टोन की पिकैक्स भी लेकर चलते हैं। यार काम आ सकता है, हो सकता है कि काम आ जाए बस। और ये वही वाला गाय है तो मैं गाय को कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा खाने की बंदोबस्त भी कर लेता हूँ। तो मैं जब फर्नेस की वेट करने की नहीं, मेरे पास खतरनाक वाली ये ग्रेट है, ग्रेट सॉर्ड है। तो ग्रेट सॉर्ड से भाई कुछ भी नहीं बनता, सब कुछ ये तो झकास से हो जाएगा। जैसे कि स्पिगी अभी भी जिंदा था, अभी भगवान के पास चला गया। वहाँ पर चिकन भी है। हेलो गोलम, कैसे हो? गोलम से पंगा मत लियो यार, गलती से हाथ भी लग जाती है तो लेने के देने पड़ जाएगा। विलेजर को भी तो हाथ पे लगाओगे तो फिर भी लेने के देने ही पड़ेगा ना। मैंने देखा था एक केव है,
और ये मैंने एक छोटा सा कॉबलस्टोन जनरेटर बना कर रखा है। सारे को मुझे अभी मानना, ये को दे नहीं रही है भाई, ग्लिच है क्या? और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मैं दुर्गा पूजा भी आने वाला है, मतलब कि बहुत अभी देर है थोड़े बहुत, तो अब मैं आपको इतना बता देता हूँ, मैं दुर्गा पूजा में अपना फेस रिवील करूंगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बनने दो। तो अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब क्या कर रहे हो, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेहनत से बहुत वीडियो बना रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो। ओ तीन तीन टाई वाले चिकन, इनको ब्रीड करूँ क्या? नहीं, अभी मेरे पास ब्रीड करने की टाइम नहीं है, और मेरे पास बहुत सारे फालतू के सामान है, मैं अभी यहाँ पर पानी में नहीं फेंकूंगा। हर वक्त स्क्विड स्पॉन हो सकती है, क्योंकि मछली अगर मर गए तो मछली मरने से स्क्विड स्पॉन होता है, क्योंकि वो उसे इन्फेक्टेड कर देता है कि। तो ये वही केव है, तो मुझे आराम आराम से जाना पड़ेगा। उसके से पहले मेरे मत्थे में एक बहुत बड़ा आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग इस जगह को थोड़े बहुत डिग आउट करके यहाँ से मटेरियल ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये नीचे जाने में बहुत मदद करेगा। तो इसको यहाँ पर रखो, अभी एक यहाँ से डिग आउट करते हैं, यहाँ से एक ले लेते हैं। अभी और आपको वो दिखा देता हूँ, वहां पर देख सकते हो मैंने एक गुफा बना कर रखे है, मैंने एक स्टोर रूम जैसा वहां पर बना कर रखे है यार, छोड़ो ना। अभी मैं आपको बता दिया ताकि आपको लगे कि मैंने ही बनाया है, ताकि आप कमेंट पे मुझे ना बताइए, इसलिए मैंने ये बता दिया। पर अभी अबे नीचे जाऊं मैं कैसे? ए कोई है? ए कोई है रे, बचाओ मेरे को। ओके, तो मैं अभी डायमंड्स थोड़े बहुत इकट्ठा करने हैं, तो माइनक्राफ्ट में अभी तुझे संभल कर रहना पड़ेगा। अभी ज्यादा तो बढ़िया प्लेयर तो नहीं हूँ, मुझे अभी धीरे धीरे बढ़िया प्लेयर होना है। आप सोच रहे हो कि मैं जा रहा हूँ मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, रुको, असली असली खेल तो अभी बाकी है। ये मेरा ग्रेट पिकैक्स, एंडरसाइट, मेरे पास बहुत सारे एंडरसाइट पड़े हैं। एंडरसाइट को मुझे अभी अभी ये भी समझ नहीं आ रहा एंडरसाइट से। हाँ मैं एंडरसाइट से पॉलिश एंडरसाइट बना सकता हूँ, ये भी बढ़िया। चलो थोड़ा बहुत देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर को आयरन पड़ा हुआ है, मैं अभी एंडरसाइट का यूज करूंगा, क्योंकि स्टोन भी मुझे चाहिए यार, स्टोन से भी मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। स्टोन मैं थोड़े बहुत ले लेता हूँ। तभी हमें ऐसे जाना है ताकि किसी को पता ना चले, तो मैं यहाँ से अभी स्टोन इकट्ठा करूंगा। जब मैं अभी मैं डायमंड्स क्यों इकट्ठा करने जा रहा हूँ यार, एक मिनट, मैं डायमंड्स इकट्ठा करने तो जा रहा हूँ, पर मुझे भी बहुत डर भी लग रहा है। एक काम करते हैं, पिकैक्स के तोड़ो, मुझे लग रहा है कि मुझे नीचे से कोई देख रहा है। ए मैंने माइनक्राफ्ट का साउंड ही ऑफ कर दिया, थोड़ा साउंड थोड़ी सी बढ़ा कर रखते हैं। एक काम करते हैं, फटाफट से अभी कर लेते हैं, मैंने साउंड ऑफ कर दिया था। बहुत सारे रॉ आयरन पड़े हुए हैं यार, पर ज्यादा खजाना बोले तो मुझे उस हट से मिली थी, जो हट अभी पड़ा हुआ था। वो हट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, वो रियल स्टोरी है या फिर कुछ और स्टोरी है। डायमंड्स माइन करने के लिए मैं डिग आउट कर सकता हूँ क्या? ओ डिग आउट भी मैं कर सकता हूँ, पर चलो अभी पर को मारो गोली। अभी तब तक हम लोग यहाँ पर टॉर्च भी लगाते रहेंगे, मेरे पास तो टॉर्च भी है। ए कहीं रात तो नहीं हो रही है? मुझे बेड की जरूरत थी यार, मैंने बेड भी नहीं लेके आया साथ में। कोई बात नहीं, यहाँ से एक ब्रिज टाइप बना लेते हैं फटाफट से जाकर। एक मिनट रुको, मैं अपने साथ एक बेड भी लेके आता हूँ, पता नहीं क्या हो जाए, कब क्या हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। माइनक्राफ्ट के भविष्य या फिर अपने भविष्य, कब क्या होता है कुछ भी नहीं जान पाते। अभी तो रात का कोई नामो निशान भी नहीं है। एक मिनट, जब आया था यहाँ पर बहुत सारे खाना फिर से स्पॉन हो चुका है, मैं फिर से लोगों को मार के ले लेता हूँ, काम आएगा। ओ मेरा हंगर डाउन भी होने लगा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए साथ में एक बेड बना, ए, ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी रे शुगर कैन, गलती हो गई। एक काम करते, मेरे पास एक ब्रांड न्यू बेड भी बना लेते यार, ठीक हो जाएगा। बेड कैसे बनती है? लगता है थोड़े और भी इकट्ठे करने पड़ेंगे बेड। ओकुड प्लैंक्स भी चाहिए, क्या बात है क्या बात है, ठीक हो जाएगा। अरे हो जा हो जा हो जा,
एक और ऊन लेना है हमें। एक सीप कहाँ पर है? एक सीप, मुझे बस एक ही सीप चाहिए। हट ना, क्या है? ओके, मुझे भी एक ना एक सीप मुझे चाहिए। वी नीड वन सीप। ओ, सीप अपने आप हमारे पास आ रहा है। ओके नाइस। एंड वी नीड मेक अ बेड फॉर नाइट बिकॉज वी नीड रेस्ट। ओके ओके, लेट्स गो टू माई स्टोर रूम। मैं अचानक से देख रहा हूँ मेरे जो यहाँ पर कुत्ते बैठे हुए थे वो भी गायब है, पता नहीं क्यों। चलो वो हम लोग अगले वीडियो में पता करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से नहीं, मुझे यहाँ से, अरे यार मैं तो गलती से किसी दूसरे बेड को लेके आया। उसको वाइट डाई नहीं है मेरे पास, वाइट डाई। हट ना, क्या रेसिपी बुक, रेसिपी बुक देगा। हट यार, चलो किसी का बेड ही अभी मुझे चुराना पड़ेगा भाई। क्या है रे भाई, जिंदगी मतलब पूरा इतने मेहनत से सीप टीप मारा और सफलता प्राप्त 0। भाई भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में एक मत्थे में एक मेरे मत्थे में एक बहुत बड़ा आइडिया है। क्या मैं यहाँ से स्ट्रिप माइनिंग करूँ? स्ट्रिप माइनिंग एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये जगह मुझे परफेक्ट लग रहा है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपना स्ट्रिप माइनिंग, ठीक है? और फटाफट से देखते हैं क्या होता है। इतना ज़्यादा मुझे तो पता नहीं है। ये जगह पर मैं एक टॉर्च लगा देता हूँ। अब थोड़ा सा मुझे अंधेरा से बचना पड़ेगा। अंधेरा हो गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने मतलब कि सारे मॉब स्पॉन होंगे, इसलिए लेने के देने ही पड़ेंगे। एक मिनट, आई थिंक ऊपर रात हो रही है। एक मिनट, क्या हम लोग कल सुबह आए? हाँ मैंने सही कहा था। अरे यार माइनक्राफ्ट तुम लोग क्या बिना रात के नहीं रहते हो? अजीब पागल बंदा है यार। रात होने मतलब कि रात होना ही है, ऐसा ऐसा दिख रहा है कि रात होना ही नहीं है। अगर रात हुआ तो भाई मतलब कि रात उसको होना ही है। मैं गलती से कि दूसरा भाषा बोल रहा हूँ। और ये सारे चीज़ मैं एक काम करता हूँ, वूल फूल ये सारे मैं यहाँ पर ही कैप्ट कर देता हूँ। अभी के लिए मैं ये सारे यहाँ पर ही कर देता हूँ। और मैंने गलती से थोड़े बहुत शुगर केन भी ले लिए थे। और गाइज मैं बताता हूँ कि मैं ना अब से माइनक्राफ्ट आरटीएक्स में खेलूंगा। माइनक्राफ्ट आरटीएक्स, ठीक है? माइनक्राफ्ट आरटीएक्स मतलब कि वो खतरनाक वाला जो ग्राफिक्स में होती है वो वाला खेलूंगा। यहाँ पर मैंने टॉर्च पहले से ही रख दिया। चलो हेलो गाइज, मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अब से गाइज अभी अभी बारी आती है ग्रेट पिकेक्स की। अभी डर्ट जो है थोड़े बहुत कम होने लगेगा। ओ आते ही आयरन, चख ले, चख लो भाई, जो भी मिलेगा चख लो, नहीं तो अपने पैरों में अब खुद मैं एक्स मार दूंगा। ये गलत, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जगह अंधेरा होते जा रहा है, मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगा देता हूँ। वो कोयला, बहुत बढ़िया। ओके, तो मैं अभी कोयला ज़्यादा नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मुझे अभी सीढ़ी भी बना कर रखनी है, चाहे वो कोयला की सीढ़ी हो चाहे वो दूसरा की सीढ़ी हो, मुझे बस बना कर रखना है। वो यहाँ पर कितने सारे कोयला है यार, सपना है क्या? आपको बता देता हूँ, माइनक्राफ्ट में मुझे लगता है कि कोयला ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोयला नहीं, बेस्ट मतलब कि कोयला सबसे ज़्यादा मिलती है। मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूँ, मुझे लगता है बेस्ट मुझे ज़्यादा गोल्ड लगता है। मैं एक स्ट्रिप माइनिंग करके जाऊंगा, मुझे भी केव पे नहीं जाना है। केव में हर वक्त स्पॉन हो सकती है, तो इसलिए मैं केयरफुल रह रहा हूँ। और मैं देखता हूँ ऊपर कितना दूर है, मुझे भी स्काई दिख रहा है इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा। फिर से अंधेरा होता जा रहा है, कितना टॉर्च वेस्ट करूंगा यार, शिट। पता नहीं गाइस क्या क्या अजीबो गरीब चीजें हो रही है। फिर से रखो यहाँ पर, अजीबो गरीब यार, पता नहीं क्या हो रहा है।
कभी मुझे हल्का हल्का कुछ किसी की आवाज आ रही है। नहीं नहीं किसी के नहीं, थोड़े से मजाक कर रहा हूँ यार। ये टॉर्च का क्या सोर्स कम हो चुका है क्या? इतनी जल्दी मुझे टॉर्च रखने का पड़ रही है। कितना ज्यादा माल, इन्वेंटरी भी पूरी भरने वाली है यार। एक काम करता हूँ, मैं सीधा ऐसे नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे करता हूँ। मैं 37 में तो आ चुका हूँ। एक काम करते, अभी डायमंड्स मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नीचे होगा, क्योंकि अभी मैं डायमंड्स के थोड़े बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो मैं यहाँ पे साइड जाएगा जो थोड़ा बहुत खुदाई कर दिया है ताकि अच्छा रहे। ओके ओके गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना जिसने भी अभी तक वीडियो को किया नहीं, तो भले प्लीज याद कर देना। अगर हमको डायमंड्स नहीं मिलती है तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंग टू गेट डायमंड्स फ्रॉम माइनिंग। टॉर्च का सोर्स इतना ज्यादा कम कैसे पड़ सकता है? एक मिनट रुको, दिमाग में अभी ख्याल आई है। उनको तोड़ तोड़ कर थोड़ी बहुत हम लोग आला करेंगे, मतलब कि अंधेरा आ जाएगा उसको तोड़ देंगे। ओके, हम कितनी नीचे आ चुके हैं? बहुत नीचे आ चुके हैं। अब कितना नीचे जाएंगे? आई थिंक हम लोग नीचे बहुत आ चुके हैं। 25, मजाक है क्या? अब एक काम करते गाइस, आई थिंक डायमंड्स खोजना थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि अगर हम डायमंड्स अगर ले सकते हैं तो हम लोग लगता है केब से ले सकते हैं। तो काम करते हैं, बंद कर देते हैं इसको भाई, बहुत दूर गए थे हम लोग। केव में जाऊं या फिर किस में जाऊं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। स्टोन की पिकैक्स से कितनी डैमेज होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर बहुत चला गया भाई। अभी मुझे केव ढूंढना है, कौन सी केव में अच्छी चीजें हो सकती है। ऐसे भी केव में भाई बहुत अच्छी चीजें होती है, मैं ही के पहली बार कह रहा हूँ कि कौन सी केव में कौन सी चीजें होगी। ये केव लगता है मैंने ही खोदा था, छोड़ो इसको। एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में आइडिया आया है। एक मिनट, मैं ये जगह को एक बार खोदने की कोशिश। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये क्या है? एंशियंट डिबरी लग रहा है मुझे, पर एंशियंट डिबरी ओवरवर्ल्ड में कैसे आ सकती है? व्हाट? एंशियंट डिबरी ओवरवर्ल्ड में कैसे आ सकती है? वो तो मैं नेदर में मिलता है ना। ओ, ये तो सचमुच एंशियंट डिबरी है लगता है। पीछे भी बहुत सारे हैं। एक मिनट, मैं चेकआउट करता हूँ क्या ये सचमुच है। ओ ये भाई, मुझे अभी तक समझ नहीं आई फंडा क्या है यहाँ पर। एंशियंट डिबरी, ये एंशियंट डिबरी क्या है? फंडा पता नहीं आई, कुछ समझ नहीं पाया क्या है। क्या है अचानक से एंशियंट डिबरी? क्या ये सचमुच एंशियंट डिबरी है? एक मिनट रुको, मेरे दिमाग में आइडिया आई। क्या हम लोग इससे नेदराइट की वो मतलब नेदराइट की आर्मर बना सकते हैं? अभी गाइस हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाली है भाई। एंशियंट डिवरी, बट मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, एंशियंट डिवरी ओवरवर्ल्ड में कैसे मिल सकती है? एंशियंट डिवरी तो नेदर में होती है ना। कमेंट में मुझे बताना, एंशियंट डिवरी तो नेदर में होती है पर ओवरवर्ल्ड में कैसे आई? आई थिंक ये माइनक्राफ्ट में, आप बताना गाइस कि आप माइनक्राफ्ट के अनुसार, माइनक्राफ्ट के ये नए 1.17 वाले अपडेट में क्या एंशियंट डिवरीज ओवरवर्ल्ड में मिलता है? एक बार गूगल में सर्च करके आप देखना। एक मिनट, क्या हम लोग इससे कुछ बना सकते हैं? क्या ब्लॉक ऑफ कोल है? लगता है हम लोग इससे नेदराइट का कुछ बना सकते हैं। क्या है? नेदराइट इंगट्स,
पर ये एंशियंट डिब्री से क्या होगा भाई, एंशियंट डिब्री। मैं अभी बना क्या सकता हूँ, देखना पड़ेगा। ये क्या है, ब्लॉक ऑफ रॉ आयरन, शुगर। अबे ये कोई तुम एक कोई मुझे बताएगा कैसे बनती है एंशियंट डिब्री से, होता क्या है? व्हाट द हेल, एंशियंट डिब्री से होता क्या है? एंशियंट डिब्री, एंशियंट डिब्री कैसे होता है यार? नेदरराइट, मुझे लगा था कि मैं इससे ब्लॉक ऑफ नेदरराइट ले सकता हूँ। पता नहीं गाइस, अजीबो गरीब चीजें हो रही है। मैंने सोचा था कि इससे नेदरराइट की बनती है। बता रही गाइस, आप मुझे कमेंट पे बताना यार, एंशियंट डिब्री से क्या बनता है। एंशियंट डिब्री से बनता क्या है? इधर वो बनता है क्या, इनगट्स? इनगट्स कैसे बनती है? इनगट, इनगट की रेसिपी क्या है? ब्लॉक ऑफ नेदरराइट। तो फिर ये कैसे डिब्रीज बोल रहा है? अजीबो गरीब चीजें हो रही है यार, ये क्या है, क्या है एंशियंट डिब्री? बट एंशियंट डिब्री से बनती क्या है? पता नहीं गाइस, छोड़ो इसको, रखो। सोचा था कि इसे मैंने देखा था चपाती हिंदुस्तानी गेमर से, इससे ये नेदरराइट का वो बनाता है, पर एंशियंट डिब्री से क्या बनाता है? आई थिंक मैंने गलत सोचा। गाइस, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो का नाम रखते हैं आई फाउंड एंशियंट डिब्रीज इन ओवर वर्ल्ड। पता नहीं गाइस क्या है, एक मिनट, मुझे अभी देखना पड़ेगा कि ये सचमुच एंशियंट डिब्री से होता क्या है। और मुझे भी एक काम करना पड़ चाहिए, मुझे ये जगह भी स्टेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो कितने मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक कुछ ज़्यादा वीडियो हो चुकी है। रुको गाइस, आज की रात होने से पहले मैं इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे पास इनाफ कोबल स्टोन तो आ चुका है, रुको मैं आज ही पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। फटाफट से इनका बनाऊँ स्टेयर्स। मैं ज़्यादा ही बना लिया यार, शिट, ये इनविजिबल ट्रेडर। रुको मैं अभी इसको ट्रेडर को बताता हूँ। मैंने कहा हजार बार कि ट्रेडर फ्रेडर मुझे नहीं चाहिए, फिर भी ये आ रहे हैं। बहुत हो चुका है, सबसे पहले इस लामा को पिटाते हैं। अभी इस लामा की बारी, अब तेरी बारी। तो बचेगा नहीं आज, ये अभी पोशन पी लेता। और यहाँ पर मैंने एक हिडन चेस्ट भी बना कर रखता है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता, फटाफट से चेकआउट करते हैं। यहाँ क्यों आ गया? कोबलस्टोन के स्टेयर्स बनाने हैं मुझे, स्टेयर्स तो मैंने बना ही चुका हूँ। अभी ऐसे रखो, अभी ऐसे, अभी ऐसे ऐसे, अभी ऐसे हो गया पूरा कंप्लीट। हाँ एक मिनट, मैं आया हूँ तो थोड़े बहुत डेकोरेशन कर लेते हैं। यार हमारी ग्रेट विलेज है, थोड़े बहुत तो डेकोरेशन होती है, है ना। यहाँ पर मुझे इसको सेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे थोड़े बहुत सेट करने पड़ेंगे। और ये जगह देखो, अभी तक ये जगह ठीक से रिपेयर ही नहीं हुई है। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि इसे रिपेयर आखिर करें क्या, तो करे तो करे कैसे। एक मिनट, मैं ऐसे लगाता हूँ। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर इनफ डर्ट चाहिए। तो मेरे आई थिंक मेरे मेरा जो शवल है, शवल में कुछ ना कुछ है। फट, अभी मैं एक बेड बना सकता हूँ। जरूरत के टाइम पर मुझे एकदम से बेड नहीं मिलता है। और गाइस, वीडियो का टाइटल रखते हैं आई फाउंड एंशियंट डिब्री इन ओवर वर्ल्ड, ठीक है। इस वीडियो का टाइटल यही रखेंगे। शवल में इफिशियंसी नहीं जगह है यार,
इफिशियंसी लगाना पड़ेगा, अनब्रेकिंग और मेंडिंग। वाह 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 वाह, ओके है तो अभी मैं अपना फटाफट से आर्मर यहाँ से उतार देता हूँ, क्योंकि मुझे भी भाई इस आर्मर बहुत मेरा काम आता है। आर्मर भाई एकदम से बेस्ट है यार, आर्मर एकदम से बेस्ट है। अभी सारे को रखो यहाँ पर, और मुझे भी पूरा इन्वेंटरी खाली करना पड़ेगा, फालतू चीज़ों को जो है लावा में डालना होगा। यहाँ पर मेरे पास एक्सपी पड़ा हुआ है, उठा लेता हूँ फ्री के एक्सपी, मज़ा आ जाएगा। अभी जितने भी चीज़ें मुझे मिली है सारे कीमती सामान रखते हैं यहाँ पर। कोयला हमारा कीमती सामान है, रॉ आयरन भी हमारा कीमती सामान है, चिकन मतलब मटन भी हमारा कम कीमती सामान है, बेक्ड पोटैटो खाना वगैरह ये सारा यहाँ पर रख देते हैं यार। और ये लीड लीड भी रख लेते हैं, लीड भी काम आएगा। शुगर केन, बेड नहीं, बेड मैं नहीं रखूँगा क्योंकि बेड मुझे उसको देना ही है। शुगर केन, फीदर काम का नहीं, फीदर को मैं लावा में डालूंगा। अभी ग्रेनाइट को भी लावा में डालूंगा, ठीक है। तो अभी फटाफट से मैं अपने स्टोर रूम पर जाता हूँ। इस वाले चेस्ट में मेरा 1000 खाना मतलब कि खजाना रहता है, तो 1000 खजाना मैं सारे यहाँ पर रखूँगा। हैंग ऑन अ मिनट, मैं कोयला यहाँ पर रखूँ? कोयला मतलब कोयला मेरा खजाना जैसा नहीं है, तो भाई सारे चीज़ों को यहाँ पर रख दो। नहीं, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सारे रखो। लेदर भी नहीं चाहिए, लेदर वर्कर तो नहीं है, अगर रहता तो मैं इसे ट्रेड करके उसे बहुत कुछ ले लेता, ठीक है। सारा हो चुका है, अब ये इन चीज़ों को मुझे लावा में फेंकना है। सबसे पहले येल्लो बेड को भी सही सलामत रख देते हैं। ये लग रहा बेड वापस मुझसे मत मई हो, मतलब चाहिए चाहिए मत मई हो बोल दिया, हाँ चाहिए मत चाहिए, ठीक है मत चाहिए, गलती से वो दूसरा भाषा बोल दिया। लावा आई थिंक वो रहा गाइस, मैंने वहाँ पर पहले से ही लावा रखे है। तो ग्रेनाइट फ्रेनाइट सारे को मैं फेंक दूंगा लावा के अंदर, सारे मुझे अभी तक नहीं चाहिए। तू क्या देख रहा है, क्या है तेरे को यार, मैं रॉ चीजें खा रहा हूँ, मेरे फूड पॉइजन हो रही है, पता नहीं गाइस अजीब गरीब चीज है। फटाफट इन चीजों को डालो लावा मर, रॉ चिकन, रॉ फिदर, स्ट्रिंग सारे मैंने डाल दिए लावा पर। फटाफट से अभी मुझे जाकर थोड़े बहुत जाना है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे और वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, ठीक है गाइस। प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। गुड बाय।